ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट ने त्योहारी सीजन में ग्राहकों को एक से बढ़कर एक ऑफर दिए। इस दौरान ई कॉमर्स कंपनी ने करोड़ों रुपए का कारोबार किया। इसके बाद भी कंपनी घाटे से उबर नहीं पा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्लिपकार्ट को मार्च 2019 के समाप्त वित्त वर्ष में 17,231 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि यह घाटा पिछले वर्ष के मुकाबले कम है। वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म paper.vc के मुताबिक इस दौरान कंपनी के राजस्व में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिंगापुर में पंजीकृत फ्लिपकार्ट का घाटा 63% की कमी के साथ 17,231 करोड़ रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2018 में कंपनी को 46,895 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी ने ग्राहकों के साथ अनुबंधों के माध्यम से मिले 42,878 करोड़ रुपए के राजस्व सहित कुल 43,615 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। paper.vc ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में समूह के राजस्व में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 30,644 करोड़ रुपए की थी। कंपनी इस भारी भरकम घाटे पर कुछ भी नहीं कह रही है। कुल मिलाकर व्यापारिक जगत में यही चर्चा चल रही है कि इतने बड़े घाटे के बावजूद फ्लिपकार्ट मोर्चे पर डटी हुई है और अपने ग्राहकों को सस्ता से सस्ता सामान किस तरह से उपलब्ध करा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।